हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का सिक्स चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का मतलब है कि एक साइंटिस्ट कैसे बनता है या एक साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। रिचार्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द शियरल स्कॉलर अवार्ड एंड शियरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो रिचार्ड ई ब्राइट हैं, इन्होंने कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले हैं? एक तो शियरल स्कॉलर अवार्ड भी ये जीत चुके हैं, और कौन सा अवार्ड जीत चुके हैं? ये शियरिंग प्लो अवार्ड जीत चुके हैं। किस चीज़ के लिए? बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिकुलर बायोलॉजी में। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और जो उनका जो आकर्षण था शुरुआत से ही बटरफ्लाइज के लिए, और उसी ने जो इनका जो जीवन है साइंस की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया या खोल दिया। रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट्स लाइफ। किस तरह से एक बुक ने पूरा का पूरा जो रिचार्ड एब्राइट का जीवन था किस तरह से बदल दिया, किस तरह से वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और किस तरह से उनकी मम्मी ने उनकी सहायता की। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट्स ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। केवल 22 साल की उम्र में एक पुराने स्काउट ऑफ द ईयर, पुराने जो पुरान वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर रहे थे, उन्हें कोई अवार्ड मिला होगा क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करी होंगी किसी चीज़ के बारे में, तो उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे जो साइंटिफिक वर्ल्ड था उसे हिला के रख दिया विद अ न्यू थ्योरी, एक अपनी थ्योरी के साथ ऑन हाउ सेल्स वर्क्स। और क्या थ्योरी दी उन्होंने कि किस तरह से कोशिकाएं सेल्स काम करती हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एच ई ब्राइट ने और उनके कॉलेज में जो रूममेट था उसने उन्होंने एक थ्योरी दी, और कौन से आर्टिकल में दी? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ कोई मैगजीन चलती हो उसमें दें, या हमारे यहाँ का कोई बच्चा हो वो दैनिक जागरण में अपनी एक थ्योरी दे, तो उन्होंने किस में दी? द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में, उसमें अपनी थ्योरी दी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स। और पहली बार ऐसा हुआ था कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये जो पत्रिका थी, ये जो मैगजीन थी, कि इसने कभी इस तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स की किसी थ्योरी को छापा हो। नहीं तो हमेशा ये क्या करती थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ही छापती थी। पहली बार इसने ऐसा हुआ कि कॉलेज स्टूडेंट्स को मौका दिया और उनकी थ्योरी को इसने छापा। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन फॉर योर फर्स्ट टाइम ए बैट। अगर इस चीज़ को स्पोर्ट्स से तुलना करी जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है कि 15 ही दैट मेकिंग अ बिग लीग, 15 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़ा मतलब रिकॉर्ड बना देना, या फिर एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट एट अ बैट। होम रन होता है जो बेसबॉल का जो गेम होता है, जब उसमें आप जो बॉल को कहाँ मार देते हो, बिल्कुल ग्राउंड से बाहर कर देते हो और रन कुछ रन बना लेते हो, उसे कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनकी यहाँ पे उपलब्धियों की बात हो रही है, उनकी अचीवमेंट की बात हो रही है, कि उन्होंने 84 सी उम्र में इतनी ज़बरदस्त थ्योरी जो लिख लिख डाली। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्प्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड ई ब्राइट के लिए ये जो उनका था पहला अचीवमेंट था किसकी फील्ड में? साइंस की फील्ड में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और इसकी शुरुआत किससे हुई? तितलियों से हुई। बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ। एन ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो अकेले बच्चे थे, मतलब इनका कोई भाई बहन नहीं था, कंजूस पेरेंट्स होंगे। ई ब्राइट जोक्स अपार्ट, ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। अब जहाँ पे वो कहाँ पे उनकी कहाँ पे बड़े हुए? नॉर्थ ऑफ रीडिंग में। रीडिंग पेंसिल्वेनिया एक जगह है, उसकी उसमें कोई जगह होगी रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग का मतलब पढ़ने से नहीं है, उसके नॉर्थ इलाके में, ठीक है, जगह का नाम है। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर। वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ काम करने के लिए था ही नहीं। ही सेड आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और मेरा कभी भी फुटबॉल खेलने में या बेसबॉल खेलने में कोई खास मन नहीं लगा। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं हमेशा कर सकता था और मैंने करी, वो थी कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और उसने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा ही ऐसा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़।
और जब वो छोटा बच्चा था, मतलब किंडरगार्टन का बच्चा कितना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, तभी से उन्होंने क्या शुरू करना, क्या कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बटरफ्लाई, तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और एक डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। इनफैक्ट जो पूरी की पूरी जो इनकी एक्टिविटी है, अगर कही जाए कि छोटे पे वो ज़्यादातर क्या करते थे, केवल और केवल बटरफ्लाईज कलेक्ट करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स, फॉसिल्स होते हैं जो मरे हुए प्लांट्स और क्या नाम है, एनिमल्स होते हैं, उनके जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, डेड रिमेन्स एंड कॉइन, सिक्कों को कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एस्ट्रोनॉमर भी बने। एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो रात को थोड़ा स्टार्स वगैरह की स्टडी करते हैं। टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी तो वो रात भर तारों को ही देखते रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और शुरुआत से ही उनके अंदर जो उनका जो तेज दिमाग था उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मतलब कि कोई चीज़ कैसे होती है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और इसमें उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की, उनकी मम्मी ने, जो उन्हें हमेशा हर चीज़ करने के लिए क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, और उसके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती थी। टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, जिनसे दूरबीन काइंड ऑफ, दूर दूर का देखा जाए, है ना। माइक्रोस्कोप्स खरीदती थी, कैमरास खरीदती थी, माउंटिंग मटेरियल्स खरीदती थी एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। तो देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो ई ब्राइट थे, न केवल वो खुद क्यूरियस थे, बहुत शार्प माइंड था, बल्कि उनकी मम्मी भी, अब देखो हमारे यहाँ छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए खेल खिलौने, लेकिन उसके लिए क्या क्या ला रही हैं उसकी मम्मी, टेलीस्कोप ला रही हैं, माइक्रोस्कोप ला रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी वो अच्छा बच्चा है और उसमें उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी मम्मी कहती हैं कि जब तक उसने स्कूल नहीं शुरू किया मैं उसकी अकेली कंपेनियन थी, साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा, जब वो फर्स्ट में एक बार स्कूल शुरू हो गया तो उसके दोस्त वगैरह भी आने लगे थोड़े बहुत, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात में हम दोनों अकेले रहते थे और अकेले बातचीत या दूसरे काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। अब देखो यहाँ पर रिची वो मम्मी है, वो अपने बच्चे को प्यार से, रिचार्ड को प्यार से रिची कह रही है कि रिची मेरे जीवन का अभिन्न अंग था। जब उस रिची के पापा, जब रिची थर्ड क्लास में था तब उसके पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उस जो मम्मी है, अब उनके पास कोई बच्चा और तो था ही नहीं, रिची था, तो वही उनका जीवन था, पूरा सब कुछ वही था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो और उनका बेटा यानी रिची जो रिचार्ड है, वो हर शाम को कहाँ बिताते थे, डाइनिंग रूम में बिताते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, उसकी मम्मी कहती हैं अगर उसके पास काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए काम ढूंढती थी, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, और मैं उसके लिए कुछ ऐसा काम ढूंढती थी, थकाने वाला फिजिकल वर्क नहीं, कि जिससे उसे कुछ सीखने को मिले। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी बताती हैं, ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करता था और उसे सीखने की हमेशा लगन थी, वो और ज़्यादा सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, ना केवल वो सीख रहा था स्कूल में भी, वो इतना अच्छा कर रहा था कि मतलब क्लास में बच्चा फर्स्ट आ रहा था, बहुत अच्छा टॉप ग्रेड्स ले रहा था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, अगर दूसरी बातों में देखा जाए तो वो दूसरे बच्चों की तरह था, उनकी मम्मी कहती हैं कि दूसरे बच्चों की तरह। बट द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, लेकिन जब तक वो दूसरी क्लास में आया, सेकेंड ग्रेड में आया, तब तक उसके टाउन के आसपास, जो उसके घर के आसपास जितनी भी तरह की बटरफ्लाई की स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, एक तरह की दो तरह की, जितनी भी तरह की प्रजाति थी वो 20 तरह की, 20 की 20 तरह की उसने इकट्ठी कर ली थी। देखो यहाँ पे एक टेबल भी दिखाई हुई है और इनमें बटरफ्लाइज के स्पीसीज दिखाई हुई हैं, चलिए वो हमें नहीं पढ़ना। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, और वो कहता है, इब्राइट कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहीं पर मैं अपनी जो हंटिंग है, जो कहीं ना कहीं वहीं जो मेरा जो कलेक्टिंग कलेक्शन का जो शौक़ है वो वहीं ख़त्म हो जाता। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एग्स, पर तभी कि एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक बुक लाई और उस बुक का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एग्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और उस बुक में ये लिखा हुआ था कि जो मोनार्च बटरफ्लाईज होती हैं किस तरह से माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो बर्ड्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा माइग्रेशन, कि खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में या अच्छे एटमोसफेयर की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो साइबेरियन क्रेन के बारे में।
तो जब उसने ये पढ़ा कि तितलियां जो कि इतनी छोटी सी लगती हैं वो इतनी दूर माइग्रेट कर जाती हैं सेंट्रल अमेरिका में, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर, उसने कहीं ना कहीं उसका पूरी तरह से दिमाग खोल के रख दिया। मतलब वो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। अब देखते हैं फिर, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। और बुक के लास्ट में ये लिखा गया था रीडर्स के लिए कि वो भी इस बटरफ्लाई की जो स्टडी है उसमें हेल्प कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक। और उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक ने क्या लिखा हुआ था कि जो रीडर्स हैं जो इस बुक को पढ़ रहे हैं वो भी बटरफ्लाईज को क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। देखो तो टैग का मतलब क्या होता है कि उन पर एक निशान लगाना, कुछ उन पे ऊपर चिपका देना, ताकि जैसे आज हमने किसी बर्ड को या किसी के ऊपर टैग लगाया, हम उसे देख सकें कि 2 साल बाद जब वो बर्ड मिला तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो टैग लगाना। ए आर्क्यू हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा, जो कैनेडा के थे ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। ई ब्राइट्स मदर रॉट डॉक्टर आर्क्यू हार्ट एंड सून ई ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट अडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्च। अब जो देखो जो मम्मी भी थी ईब्राइट की, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थी। उन्होंने डॉक्टर आर्क्यू हार्ट को लिखा और जल्दी ही उसके पास क्या हो गया, कुछ मटेरियल आया, एंड सून ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स। एडहेसिव मतलब चिपकने वाले टैग्स जो लगाता था किस पे, मोनार्च कौन है, वो तितलियाँ हैं उनके विंग्स पे। उसे वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आए होंगे है ना डॉक्टर आर्क्यू हार्ट की तरफ से। एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्क्यू हार्ट। और जिस किसी को भी वो टैग बटरफ्लाई मिलेगी वो उसे कहाँ भेजेगा, डॉक्टर आर्क्यू हार्ट। इस तरह की कोई रिक्वेस्ट थी। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब जो बटरफ्लाई का जो कलेक्टिंग सीजन्स है वो रीडिंग में, रीडिंग एक जगह का नाम है, मैंने बार पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, जगह का नाम है, इसे आप रीडिंग का मतलब पढ़ना मत समझना। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक, 6 हफ्तों का होता है ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 महीना इन इन लेट समर। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। और जाहिर सी बात है अगर 1.5 महीने में अगर आप एक एक करके उन्हें पकड़ोगे तो आप ज़्यादा पकड़ ही नहीं पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ईब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अगला जो स्टेप था वो ईब्राइट के लिए ये था कि वो खुद उन्हें रेज करें, मतलब अपने ही घर में या कहीं पर उन्हें, जैसे होता है ना पोल्ट्री फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह को रेज किया जाता है। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च। तो वो उसके लिए उसने क्या किया, फीमेल मोनार्च को पकड़ता था, टेक हर एग्स, उसके एग्स लेता था एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उन्हें अपने घर के ही नीचे वाले हिस्से में, बेसमेंट में उन्हें क्या करता था, रेज करता था, जहाँ पे वो एग से कैटरपिलर बनती थी, कैटरपिलर से प्यूपा बनती थी और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर उन्हें वो उनके जो बटरफ्लाईज के जो विंग्स थे उन्हें टैग कर देता था और उन्हें फिर उड़ जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और कई सालों तक उसके घर का जो नीचे वाला हिस्सा था, जो बेसमेंट था, वो मोनार्च के लिए क्या रहा, एक घर सा बन गया। उस और उसमें कई तरह की स्टेज थी, कोई अभी एग वाली में है, कोई प्यूपा वाले में है, कोई एडल्ट बन चुका है ठीक है। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन द टैगिंग बटरफ्लाई। अब वो कह रहे हैं लास्ट में, अंत में क्या हुआ कि मुझे ना बटरफ्लाईज को टैग करने में मज़ा नहीं आता था। क्यों, इट इज़ टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है और फिर इसका कोई खास फीडबैक भी नहीं मिलता। देखो ऐसा होता है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और कोई आपको उसका अच्छा फीडबैक ना मिले कि भाई आप बहुत, तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट होते हो। तो वही वो बता रहे हैं कि मैंने ना लास्ट में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। ईब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ईब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, हालांकि मैं पहले यही करता था, ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। वो हंस के बताते हैं कि जो मैंने जितनी भी मैंने बटरफ्लाइज को टैग किया था उनमें से केवल और केवल 2 बटरफ्लाई को पकड़ा गया, या तो वो टैग उनमें से हट गया होगा या वो बटरफ्लाइज कभी पकड़ में दोबारा आई नहीं। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स अवे फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो कभी भी मेरी जहाँ जगह से जहाँ मैंने उन्हें टैग किया था उनसे 75 माइल दूर से ज़्यादा नहीं जा पाई, जबकि उसने पहले क्या पढ़ा था कि जो मोनार्च हैं वो कहाँ सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट कर जाती हैं, लेकिन उसे 75 माइल से ज़्यादा दूर वो नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगा। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। जब वो 7th क्लास में था तब उसने एक बार साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, काउंटी साइंस फेयर में, और उसमें जब पार्टिसिपेट किया और वो हार गया।
इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी हेल्स हैड वन समथिंग. अब वो बताते हैं कि ये मेरे लिए इतना दुख भरा एहसास था कि जितने लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था वो कुछ ना कुछ जीत गए थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं जीता था. ईब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. जो उन्होंने उस जो काउंटी जो क्या नाम था साइंस फेयर था उसमें क्या किया था, उन्होंने स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ जो मेडक की टिश्यूज़ की कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाई थी विच ही शोड और उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे दिखाया था. ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. फिर उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जितने भी जो लोग जीते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ प्राइज़ मिला है उन्होंने वहाँ पे काउंटी साइंस फेयर में कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, खाली डिस्प्ले नहीं किया कोई चीज़ों को. तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि भैया मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ तब जाके मुझे हो सकता है अगली बार कोई चांस मिले. ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ए ब्राइट वॉज अपियरिंग. कहीं ना कहीं उनमें कभी कभी होता है ना आदमी कोई चीज़ हारने के बाद, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं चल यार छोड़ अब क्या करें, लेकिन कुछ लोग क्या कि अपनी गलती से सबक लेते हैं और उसमें कंपटीशन की भावना लाते हैं कि इस बार अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अगली बार इस चीज़ को जरूर करूंगा. तो यही फीलिंग कौन ला रहे हैं, ईब्राइट ला रहे हैं. ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ईब्राइट वॉज अपियरिंग. कहीं ना कहीं उनमें कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो रही थी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. मैं जानता था कि अगले बार जब ये फेयर होगा, साइंस फेयर होगा, मुझे कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा. ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल वीक्स. और अगर किसी चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता था तो वो क्या था, इंसेक्ट के ऊपर वर्क, क्योंकि मैंने केवल कीड़े मकोड़ों तितलियों पर ही जो काम किया था वो ही मैंने कई सालों से काम कर रहा था. तो इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज अभी थी भी नहीं. सो ही रॉट टू डॉक्टर आर्क्यू हार्ट फॉर आइडियाज़. तो उन्होंने डॉक्टर आर्क्यू हार्ट को फिर से लिखा कि सर मुझे कोई आइडियाज़ दो, मैं किन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. और उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया उसमें बहुत सारे सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स आए कि तुम ये कर सकते हो. दोज कैप्ट ई ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. और जो भी उन्होंने सजेशन भेजे थे डॉक्टर आर्क्यू हार्ट ने, वो उसमें पूरे टाइम बिजी रहते थे और जिसकी वजह से ई ब्राइट को काफ़ी सारे प्राइज मिले, प्रोजेक्ट मिले, ना केवल काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर भी. ठीक है. फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट ई ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च्स कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. जब वो एट्थ ग्रेड में थे तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसमें उन्होंने क्या कोशिश की कि जो मोनार्च कैटरपिलर है वो एक किसी वायरल डिसीज़ की वजह से मर जाते हैं. तो आखिर वो डिसीज़ है क्या, आखिर वो मर क्यों जाते हैं, इस चीज़ की उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की. ईब्राइट थॉट दैट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. उन्हें लगा कि जो जो डिसीज़ है ना ये किसी बीटल कीड़े की वजह से होती है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर को ग्रो करना शुरू किया किसकी प्रेजेंस में, बीटल्स की प्रेजेंस में. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स. हालांकि मुझे कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिले, ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. हालांकि मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली ना कोई रिजल्ट मिला, लेकिन जो भी मैंने काम किया, बट आई वेंट अहेड एंड शोड, मैंने ये दिखाया कि भैया मैंने ये कोशिश की है और मुझे केवल उस कोशिश के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए ही मैं जीता. दिस टाइम आई वन, मैं जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विसरो बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च. अब जो अगले साल उनका जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो ये टेस्ट करना था कि एक जो थ्योरी दी गई थी, क्या थ्योरी दी गई थी, जो विसरो बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं. कैसे, द थ्योरी वॉज दैट विसरो लुक्स लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जो थ्योरी दी गई थी वो ये दी गई थी, जो विसरो बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्च को कॉपी इसलिए करती है अपियरेंस में, क्योंकि जो मोनार्च है ना वो खाने में अच्छी नहीं होती, मतलब टेस्टी नहीं लगती. विसरोज ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. और जबकि जो विसरोज हैं वो अच्छी लगती हैं खाने में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च दे लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स. तो अगर वो मोनार्च की तरह दिखेंगी तो उनके उतनी ही पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी कि वो बर्ड उन्हें खाए. देखो इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं, यहाँ पर एक बात बताई गई कि देखो आप ह्यूमन बींग हैं, हम कौन सी चीज़ खाएंगे, एक बहुत टेस्टी चीज़ है और एक बहुत ख़राब सी चीज़ है, आप क्या खाना पसंद करोगे, ओब्वियसली आप टेस्टी खाना पसंद करोगे. तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, जो थ्योरी दी गई थी, जो मोनार्च बटरफ्लाई होती थी वो बर्ड्स को ना खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती थी,
लेकिन जो विसरो होती थी वो बहुत टेस्टी लगती थी। तो अब विसरो ने क्या किया, ये थ्योरी बता रहा हूँ मैं जो उन्होंने थ्योरी दी थी पहले, तो विसरो ने क्या किया, अपनी अपीयरेंस को थोड़ा थोड़ा कैसे ढाला, आप लोगों ने शायद एडेप्टेशन पढ़ा हो मोनार्च की तरह। क्यों? क्योंकि जितना वो मोनार्च की तरह दिखेंगी तो बर्ड को क्या लगेगा, अरे ये तो मोनार्च बर्ड है, इसे क्या खाना, ये तो बिल्कुल टेस्टलेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ई ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च। अब जो ई ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये चेक करने था कि ये जो थ्योरी दी गई है ये सही है, क्या वो वास्तव में मोनार्च को खाएंगी क्या, देखते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उन्होंने ये पाया, स्टारलिंग यहाँ पे एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी है, उन्होंने देखा कि जो वो ऑर्डनरी बर्ड फूड खा ही नहीं रहा। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, और वो सारे के सारे मोनार्च खा रहा था जितने भी इसे मिल रहे थे। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ईब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट विसरोज प्रॉबली डू कॉपी द मोनार्च। हालांकि बाद में बहुत जाके बाद में दोबारा से रिसर्च वगैरह हुई कि कहीं फिर भी कहीं ना कहीं ये वाली बात निकल के आई कि जो विसरोज हैं वो क्या करती हैं, प्रोबेबली कॉपी तो करती है मोनार्च को। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान मिला एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर के अंदर तीसरा स्थान मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड ईब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब वो जब सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, तब उन्होंने रिसर्च शुरू करी कि एक अननोन जो अभी तक किसी ने जाना नहीं था, एक इंसेक्ट हार्मोन की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। अगर इनडायरेक्टली बात की जाए, इसी की वजह से उनकी जो नई थ्योरी सेल्स, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में आई, क्या आई? द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, और जिस क्वेश्चन का वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सिंपल था, और वो क्या था, वॉट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी, देखो इसे टिनी मत पढ़ना आप लोग, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा। जो मोनार्च प्यूपा होती है, जो जो बटरफ्लाई बनने से पहले जो प्यूपा वाली स्टेज होती है मोनार्च की, उसमें जो 12 जो टाइनी गोल्ड स्पॉट होते हैं उसका क्या काम है, क्यों होते हैं वो, और क्यों हर मोनार्च प्यूपा पे मिलते हैं। एवरी वन अज्यूम दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। अब तक सबको लगता था कि ये जो भैया स्पॉट्स हैं ये बस केवल दिखावटी हैं, दिखावटी मतलब केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, इनका कोई काम नहीं है। ईब्राइट सेड बट डॉक्टर और क्यू हार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन जो डॉक्टर ईब्राइट ने कहा कि डॉक्टर और क्यू हार्ट को इस चीज़ पर विश्वास नहीं था, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं हुई थी। टू फाइंड द आंसर ईब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। अब इस बात का पता लगाने के लिए कि जो मोनार्च प्यूपा है उसके ऊपर जो छोटे छोटे 12 गोल्ड के जो स्पॉट्स सेल होते हैं वो क्यों होते हैं, ईब्राइट और उन्हीं के साथ एक और कोई बच्चा होगा वो भी साइंस में अच्छा होगा, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक डिवाइस बनाना पड़ा, और जिस डिवाइस की सहायता से उन्होंने क्या दिखाया कि जो स्पोर्ट्स क्या वो जो स्पोर्ट्स बने हुए हैं 12, वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और उसी हार्मोन की वजह से बटरफ्लाई का पूरी तरह से ग्रोथ होती है। अगर वो हार्मोन ना हो तो बटरफ्लाई पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा। दिस प्रोजेक्ट वन ईब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और जब उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट सामने रखा तो काउंटी फेयर में इस बार उन्हें पहला नंबर मिला और उनकी एंट्री हो गई किसमें, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। अब देखो देखो आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जिस तरह से एक बच्चा खेलना शुरू करता है स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले वो क्या करता है, स्कूल में खेलता है, अंडर 12 खेलता है, अंडर 15 खेलता है, फिर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, फिर नेशनल लेवल पे है ना। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे एक स्टेप से अब वो किस में आ गए, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्हें तीसरा स्थान मिला जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्ट रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और क्योंकि उनकी जो मतलब फेम है, उनकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही थी, अब उन्हें कहाँ पर काम करने का मौका मिला, और अच्छी लेबोरेटरी में, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी की इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उसे काम करने का उन्हें मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ईब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा। और जब वो हाई स्कूल जूनियर की फॉर्म में उन्होंने जो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स जो मोनार्च प्यूपा के ऊपर थे वो उन्होंने जारी रखे, अभी ख़त्म नहीं किए। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर।
अब ये भैया इतने ज़्यादा, मतलब इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इतने सफल होते रहे कि जो उन्होंने मोनार्च पीपा के ऊपर वो किए थे, इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उन्हें अब चांस मिला किस में काम करने का, आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, जब गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, गर्मियों में आर्मी लेबोरेटरी में उन्हें काम करने का। इन ए सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और जब उनका सीनियर ईयर आया 1 साल बाद, आगे एक स्टेप और आगे गए, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग्स इन अ कल्चर एंड श्योर दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब उन्होंने क्या काम करके दिखाया, उन्होंने एक सेल को डेवलप करके दिखाया कहाँ से, मोनार्च के विंग से, इन अ कल्चर, कल्चर का मतलब है एक आर्टिफिशियल वे में, एंड श्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और उन्होंने कहा कि ये जो सेल्स है ये डिवाइड करेगी और इसी को डिवाइड करते करते ये बटरफ्लाई बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी, इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, अगर उन्हें केवल वो वाला हार्मोन मिल जाए, खिलाया जाए, कौन सा, जो गोल्ड स्पॉट्स में आता था। तो यानी ये वाली बात क्लियर हो गई कि जो जिस गोल्ड स्पॉट्स को लोग अब तक क्या समझते थे कि भैया ये तो ऑर्नामेंटल है, ये तो बस दिखाने की चीज़ है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया नहीं, वो खाली दिखाने की चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो हार्मोन है वो ही उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, अब उस जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, और उन्होंने समर में आफ्टर ग्रेजुएशन फिर से फर्दर वर्क किया उन्होंने किस में, आर्मी लेबोरेटरी में, एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर वाली लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब अगली गर्मियों में जब उनका फ्रेश ईयर शुरू हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, में दोबारा गए उस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और वो जो गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन था उस पर और काम किया, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो देखो जितनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में आते जा रहे हैं वहाँ उतने अच्छे अच्छे डिवाइस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, अब उन्हें जब अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे तो उन्होंने उस हारमोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, लगभग 1.5 साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर में ईब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उन्हें एक आइडिया आया अपनी न्यू थ्योरी के बारे में, सेल लाइफ के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हारमोन, और ये आइडिया उन्हें तब आया जब उस हारमोन का वो केमिकल स्ट्रक्चर जो था उसे एक्सरे में देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, वेन ही सॉ दोज फोटोज ई ब्राइट डिंट शाउट यूरेका, जब वो फोटोज देख रहे थे तो वो चिल्लाए नहीं, यूरेका का मतलब होता है और इवन आई हैव गॉट इट, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो कुछ ऐसी चीज़ जिस पर आप बहुत टाइम से काम कर रहे होते हो और अचानक से वो आपको मिल रहा है, उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं बोले। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हारमोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि इससे कहीं ना कहीं जो बायोलॉजी की एक जो पजल, जो गुत्थी जो अब तक नहीं सुलझी थी वो सुलझाई जा सकती है, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और उन्होंने ये पता लगा लिया किस तरह से जो सेल है एक दूसरी की दूसरी बिल्कुल एज इट इज सेल बना देती है, किस तरह से डीएनए का वो बना देती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, डीएनए क्या है, एक सब्सटेंस है किसमें, सेल के न्यूक्लियस में, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, वो क्या करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब जो हेरिडिटी जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजता है। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये डिटरमिन करता है कि किस तरह की फॉर्म होगी सेल की और क्या सेल का काम होगा। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जो लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है इस तरह से क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है डीएनए। जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को थोड़ा सा बेहतर समझ पा रहे होंगे। ईब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। अब जो ईब्राइट थे और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वंग, उन्होंने पूरी रात बैठ के इस तरह के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए टू शो दैट हाउ कि ये कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी लिखी पेपर में। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स, देखो इसमें कोई
संदेह की बात नहीं थी, किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो हार्वर्ड से भी पास हुए हाईएस्ट ऑनर के साथ, मतलब बहुत अच्छे नंबरों के साथ। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी 1510 बच्चों की क्लास में 1500 बच्चे, 10 बच्चे जहाँ एनरोल हुए थे वहाँ उनका सेकंड पोजीशन आई। ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वो मतलब आगे ऐसे ही बढ़ते रहे और ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए, कहाँ पे, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर वो जो थ्योरी है जिस पे वो काम कर रहे थे, अगर वो सही साबित होती है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन के प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू अ न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज़, और ये कई सारे आइडियाज़ भी देगी जिससे कई तरह की बीमारियों से और कैंसर से बचा जा सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से, ई ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, कि उनमें इतनी लगन थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पीपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और वो जब वो छोटे बच्चे थे हाई स्कूल में, जब उन्होंने किसकी स्टडी की थी, मोनार्क पीपा की, उस स्टडी को करते 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 एक के बाद एक कदम बढ़ाते बढ़ाते फाइनली उन्होंने थ्योरी दे डाली, किसके बारे में, सेल लाइफ के बारे में। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड ई ब्राइट को साइंस में शुरू से ही इंटरेस्ट था, जब से उन्होंने क्या करना शुरू किया था, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन इतना भी डीपली नहीं कि वो, ऐसा नहीं कि केवल वही काम करते थे और दूसरे कामों में कोई ध्यान ही नहीं देते थे। ई ब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, वो क्या बने, डिबेटर जानते हैं आप, जो डिबेट करते हैं, चैम्पियन बने उसमें भी, पब्लिक स्पीकर भी बने, गुड कैनियस्ट बने, कैनियस्ट होते हैं जो बोट चलाते हैं ना, पतली सी बोट होती है आगे से और पीछे से, बिल्कुल पतली पतली सी बोट होती है, वो बने। एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो साइंटिस्ट हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं तो दूसरे कामों में पीछे हैं, हर तरह से वो आगे रहे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे करते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और किसका सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, और नेचर का और साइंस की। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और बिल्कुल जो हाई स्कूल में वो ए लेवल के, मतलब जो कहते हैं ना ए ग्रेड, बहुत बढ़िया ग्रेड के बच्चे थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए लर्निंग बहुत ईजी थी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, क्योंकि जो उनका उस टाइम पर कोर्स वगैरह था, सिलेबस वगैरह था, वो उन्हें बहुत आसान लगता था, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो किस में दे रहे थे। He turned a lot of his energy towards his debating and model United Nations Club में दे रहे थे। He also found someone to admire, और उन्हें कोई ऐसा भी मिला जिनकी वो खुद भी बहुत तारीफ करते थे, Richard A. Wearer, his social studies teacher, और मतलब वो अपने social study के teacher को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, and advisor to both clubs, और वो उनके advisor भी थे। Mr. Wearer was the perfect person for me then. अब वो बताते हैं, रिचार्ड बताते हैं कि जो मिस्टर वेरर थे वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को खोलने में, नए आइडियाज़ को देने में मेरी बहुत हेल्प की है। ई ब्राइट कहते हैं ऐसा। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। अब जो मिस्टर वेरर हैं वो क्या बताते हैं कि भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमेशा जो रिचार्ड के अंदर जो लगन थी वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था। What pleases me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. अब जो मिस्टर वेरर हैं, जो उसके सोशल स्टडीज टीचर हैं, वो क्या बताते हैं कि उन्हें रिचार्ड की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि ये एक ऐसा पर्सन था जो 3-4 घंटे तो रात में डिबेट रिसर्च के लिए लगाता था, 3-4 घंटे, और इसके साथ साथ अपना जो बटरफ्लाइज कलेक्शन और वो जो इंटरेस्ट था उसके साथ, उस पर भी काम करता था। तो ये नहीं है जैसे आजकल के बच्चे बहाने देते हैं कि जी हमारे तो उस वाले उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम इस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। नहीं, वेरर बता रहे हैं कि वो दोनों काम के लिए अलग अलग टाइम निकालता था। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। जो मिस्टर वेरर हैं उनके टीचर क्या बताते हैं कि वो उसमें शुरू से ही कंपटीशन की फीलिंग थी, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरी सेंस में नहीं थी कि बस मैं दूसरे को हरा दूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। वो बताते हैं उसके टीचर कि भैया जो रिचर्ड का जो इंटरेस्ट था वो इसलिए नहीं था कि बस उसे कोई चीज़ जीतनी थी, अपना नाम करना था, नहीं।
रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो जितना अच्छे से अच्छा कर सकता था वो कर रहा था. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है, वो अपना बेस्ट, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा बनना चाहता था और बना भी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रीडियंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. अब देखो चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. अब ये बता रहा है चैप्टर, और यही जो लगन है जो ई ब्राइट ने दिखाई, ये एक सबसे ज़्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है साइंटिस्ट के बनने में. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड. बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल फर्स्ट रेट हो, बिल्कुल खुला हो. एड क्यूरियोसिटी, इसमें क्यूरियोसिटी जोड़ो कि ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई. एंड मिक्स इट मिक्स इन एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स. और इसमें विल का मतलब है इच्छा, बिल्कुल ऐसी प्रबल इच्छा डालो कि कहीं ना कहीं राइट रीजन्स को खोजने की कोशिश करो कि कोई चीज़ कैसे हुई. ई ब्राइट हैज़ दिस क्वालिटी, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. अगर उस टाइम की बात करें जब उन्होंने वो बुक पढ़ी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, जो उनकी मम्मी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने साइंस का एक रास्ता उनके लिए खोल दिया था. रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और उन्होंने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी नहीं खोई. देख हम लोग जैसा कि देखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होता है, वो मम्मी से पूछता है मम्मी ये कैसे होता है, मम्मी वो कैसे होता है. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खोता जाता है और डिस्ट्रेक्शन में लग जाता है. लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट ने वो जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी वो कभी भी नहीं खोई. सो आई होप सो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है ना केवल आपको समझ में आया होगा बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है. बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि देखो एक बच्चे ने किस तरह से अपना वहाँ किस तरह से बटरफ्लाइज को शुरू कर किया कलेक्ट करके और कहाँ से वो कहाँ पहुँचा. तो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप बोर्ड में अपियर होने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आप लोग ले सकते हैं प्लीज़ ले लीजिए. सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.